मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 9, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड विच इज रिटन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। इस चैप्टर में हम आइंस्टीन की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इसकी अचीवमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? जब आप genius word सुनते हो तो आपके mind में किसकी thinking आती है, किसके बारे में आप सोचते हो और आपके according एक genius में क्या क्या quality होती है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago in the summer of 1905. The 26-year-old published in quick succession four groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym of genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. आज हम उस जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि यानी कि 100 साल से पहले वो अपने वर्ल्ड को बहुत आगे लेके गया था। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old published in quick succession for grounded breaking papers. और 26-year-old का जब वो था उसके क्या है जो उसने अब इस वर्ल्ड के लिए जो जैसे लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, इन सब के बारे में उसके पेपर्स पब्लिश हुए थे। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, यानी कि उसका जो काम था साइंटिफिक जर्नल्स में उसके सिर्फ कुछ ही पेजेस हैं, लेकिन उसने हम सब की जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में और एंटायर कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से चेंज कर दी थी। And transformed the name Einstein into a synonym for genius. और उस वजह से जो हमारा जो synonym आता है यानी कि Einstein का name सुनकर हमारे mind में जो switch होता है वो क्या है, एक genius word हमारे mind में switch होता है। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. अब उसकी death के 50 साल बाद भी Einstein को एक genius की तरह जाना जाता है, यानी कि अभी भी उसके जो genius था वो कितना ज़्यादा जीनियस था, उसके जो नॉलेज थे उसके बारे में वो आज भी उतना ही ज़्यादा जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्जर। अल्बर्ट आइंस्टीन जो 14 मार्च 1879 को पैदा हुए थे, कहाँ पर, जर्मन की उल्म सिटी में पैदा हुए थे, उनमें मतलब ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं था जिससे कि ये पता चले कि ये बहुत महान इंसान बनेगा। इसके विपरीत उसकी माँ जो है वो क्या सोचती थी कि ये एक फ्रीक है। फ्रीक मतलब क्या था, जो बाकी लोगों से, जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनसे जो डिफरेंट होता है, वैसे जो नॉर्मल पीपल जैसा कोई भी बिहेव नहीं करता उसको बोलते हैं हम फ्रीक, यानी कि असामान्य बोल सकते हैं, काइंड ऑफ अबनॉर्मल उसकी मदर उसको सोचती थी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसकी मदर को लगता था इसका जो सिर है अल्बर्ट आइंस्टीन का बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली उसका जो सिर है, हेड है, वो बहुत बड़ा लगता था उसको देखने में। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। जब वो 2.5 ईयर्स का था वो तब तक उसने बोलना ही शुरू नहीं किया था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हर वर्ड को दो बार बोलता था, यानी कुछ भी बोलना उसको दो बार रिपीट करता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बॉय। और आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि वो अपने साथ के जो उसके हम उम्र जो बच्चे हैं उनके साथ वो क्या करे, और जो उसकी उम्र के जो बच्चे थे जो खेलने वाले थे वो सब उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि वो ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता था इसलिए वो सब उसको बोरिंग बोलते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए जो छोटा बच्चा है आइंस्टीन है वो लगभग मोस्टली ज़्यादा टाइम वो खुद के साथ ही अकेला खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा ही सैड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। वो मोस्टली
मैकेनिकल टॉयज के साथ, यानी कि मशीन वाले जो टॉयज होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करता था। और जब उसकी बहन पैदा हुई थी मजा, उसको देखकर उसने बोला कि सब कुछ ठीक है लेकिन इसके जो व्हील्स यानी इसके टायर कहाँ पर हैं, उसको देखकर वह ऐसे बोलता है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक बार उसके आइंस्टीन के हेडमास्टर ने उसके फादर को बोला कि आइंस्टीन कोई भी करियर चूज कर ले उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो किसी भी चीज में वो सक्सेस नहीं हो सकता। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और फिर आइंस्टीन जब 6 ईयर का हुआ तो उसके मदर के इंसिस्ट करने पर, जोर डालने पर उसने वायलिन सीखा और एक वो फेमस वायलिनिस्ट बन गया है। और इस स्किल को वायलिन जो उसने सीखा वो पूरी लाइफ उसको मेंटेन रखता है। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल, वो एक प्यूपिल मतलब स्टूडेंट आ गए यहाँ पर, वो एक बेकार विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। वो क्या है, वो बेकार विद्यार्थी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो हाई स्कूल में म्यूनिक में पढ़ने जाता है। आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, म्यूनिक में उसकी फैमिली कब गई, जब वो 15 मंथ्स का था तब वहाँ चली गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उसने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Einstein क्या स्कूल के जो रूल थे, स्कूल का जो रूल वगैरह, उसमें जो डिसिप्लिन था, उससे वो बहुत ज्यादा चिढ़ता था, हेट करता था, और वो अपने टीचर्स से भी भिड़ जाता था, उनसे उसका आर्ग्यूमेंट हो जाते थे टीचर्स के साथ में। जब वो 15 इयर्स का हुआ तो उसको स्कूल में इतना ज्यादा स्टिफल्ड मतलब सफोकेटेड, जहां पर उसको मतलब बहुत घुटन महसूस होने लगी, तो उसने क्या किया, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। आइंस्टीन इतना ज्यादा वहां पर घुटन महसूस करने लगा कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया अपनी भलाई के लिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स had moved to Milan and left their son with relatives. पिछले साल एल्बर्ट के पेरेंट्स जो हैं वो मिलन सिटी में चले गए और उसको कहाँ छोड़ दिया, एल्बर्ट को उसके रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अब बहुत ज़्यादा discussion होने लगी तो आइंस्टीन ने क्या है, आइंस्टीन के मन में एक इच्छा जागी कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेगा जहाँ पर जर्मन बोली जाती है, यानी कि स्विट्जरलैंड में वो जाएगा, वहाँ पर सिटी वहाँ पे वो स्टडी करेगा। वो ऐसे एक शहर है जहाँ पर क्या है, म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा सख्ताई नहीं है। म्यूनिक में तो बहुत ज़्यादा रूल वगैरह था डिसिप्लिन को लेकर, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर मैं पढ़ लूँगा, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतनी ज़्यादा सख्ताई नहीं है, वो लिबरल है म्यूनिक के कंपैरेटिवली। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. Einstein ka kya hai, bahut zyada intelligent tha wo maths mein aur physics mein bhi uska interest tha. Jab usne apne school complete kiya to usne Zurich ki university mein usne padhne ka decision liya. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. क्या सिर्फ साइंस ही नहीं थी जिसमें इसका इंटरेस्ट था, इतनी बड़ी बड़ी मूछ वाले का, इनकी आइंस्टीन का आपको फिगर याद ही होगा किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, तो कह रहे सिर्फ साइंस ही नहीं थी जिसमें उसका इंटरेस्ट था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। दिस यंग सर हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। अब उसका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो गया, उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की मिलेवा मैरिक में, जिसको वो यानी कि इंटेलिजेंट मानता था, चतुर मानता था। दिस यंग सर हैड, ये जो लड़की है वो यहाँ पर स्विट्जरलैंड में क्यों आए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ज्यूरिख में
वो यूरोप की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर औरतों को यानी कि लड़कियों को भी डिग्री मिल सकती है, यानी कि पहले कम पढ़ती थी लड़कियाँ, तो यहाँ पर ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर लड़कियों को भी डिग्री मिल सकती थी। आइंस्टीन साइन हर एल ए अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। आइंस्टीन क्या है, उसके अंदर एक फ्रेंड, एलाय मतलब एक फ्रेंड देखता है, एक एसोसिएट की तरह उसको देखता है। फिलिस्टाइन क्या है, फिलिस्टाइन इज अ वर्ड used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music. Philistine वो होता है जो कि उन लोगों के बारे में बात करता है जो लोग ना तो कला को पसंद करते हैं, ना ही साहित्य को, ना ही संगीत को पसंद करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, आइंसी साइन है रहने एंड एले अगेंस्ट द फिलिस्टाइन। वो उसको फिलिस्टाइन के अलावा एक एज ए फ्रेंड उसको देखता था। फिलिस्टाइन क्या होता है, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है लिटरेचर में, आर्ट में और म्यूजिक में, लेकिन उसके अलावा उसको क्या लगती थी, एक फ्रेंड लगती थी। दोस पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वाज कांस्टेंटली एट ऑड्स द कपल फेल इन लव। यानी कि अपनी फैमिली में उसको या फिर यूनिवर्सिटी में जो लोग थे जिनके साथ वो हमेशा उसके मतलब जो विचारधारा वो मिलती नहीं थी, उसके अलावा उनके कंपैरेटिवली वो किसको ज़्यादा मतलब किसके एज ए फ्रेंड देखने लगा, जो मिले हुआ मैरिड थी वो उसको उसके अकॉर्डिंग मतलब सही लगने लगी, उसमें उसको फ्रेंड नजर आने लगे, फिर वो दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता, कपल फेल इन लव। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस रोट आइंस्टीन हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। अब उन दोनों में लेटर्स एक्सचेंज होने लगे जिसमें साइंस रिलेटेड चीज भी जो कॉम साइंस को लेकर कोमलता जो है उनके अंदर वो एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज होने लग गए। उनके लेटर, उनका जो प्यार था आपस में वो लेटर्स के थ्रू एक्सचेंज होने लगा। और आइंस्टीन ने एक लेटर में लिखा कि कितना अच्छा और कितना महान होगा, प्राउड होगा कि अगर हम दोनों एक साथ ऐसा काम करें रिलेटिविटी के बारे में जिसका क्या है बहुत ही यानी कि बहुत अच्छा कंक्लूजन निकले, रिजल्ट निकले। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. जब वो 21 years का हुआ, तो Albert Einstein ने क्या graduation कर ली थी और वो अभी भी unemployed थे, यानी कि उसको कोई job नहीं मिली थी। He worked as a teaching assistant. अब वो एक teaching assistant की तरह काम करने लगा, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Worth. और फिर वो क्या प्राइवेट ट्यूशन वगैरह देने लग गया, बच्चों को लेसन पढ़ाने लग गया। और आखिर में उसको जब वो 1902 में यानी कि उसको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली, कहाँ पर, पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस का क्या होता है, जहाँ पर इन्वेंटर्स को इन्वेंशन करने का राइट दिया जाता है, उसमें उसको जॉब मिल गई एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह, कहाँ पर, बर्न में। व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब बाकी लोगों की जो inventions थी secret जैसे, उस time जब वो उनकी assess करता था, देखता था कि सही है कि नहीं है, उस time पे वो secretly गुप्त रूप से वो अपने भी ideas invent करने लग गया। He said to have jokingly called his desk drawer at work the bureau of theoretical physics. और वो मजाक के तौर पर जो उसका desk था उस office में, उसको क्या बोले लग गया, वो ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स उसने उसका नाम रख दिया। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और जिसके जो फेमस पेपर थे आइंस्टीन के, जो आपने सुना होगा, वो 1905 में पब्लिश हुए। और उस किसके ऊपर थे वो पेपर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, अकॉर्डिंग टू विच जिसके अकॉर्डिंग टाइम और जो डिस्टेंस है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। अगर टू क्लॉक्स को सेम टाइम पे सेट कर दिया जाए, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे सेट कर दिया जाए, तो वो भी कंटिन्यूटी एक साथ उनको स्टार्ट किया जाए, तो वो भी क्या है, एक टाइम के बाद बराबर नहीं दिखेंगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, एक थोड़ी स्लो हो जाएगी। फ्रॉम दिस फॉलोज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला व्हिच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और यहां से वर्ल्ड का जो फेमस फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, वो यहां से
इन्वेंट हुआ था, जिसने मास और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को शो किया है। अब इस जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसमें क्या है, ई क्या है, एनर्जी है, मास है, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, आप जो नीचे बॉक्स में दिया वो आप लोग खुद पढ़ेंगे। इट्स काइंड ऑफ अ जॉब व्हाइल आइंस्टीन वाज, यानी कि इसको हम इस वे में भी समझ सकते हैं। जब हम किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं, जो काम हमें अच्छा लगता है, तो उस काम को अगर हम 2 घंटे भी करेंगे तो वो हमें 20 मिनट के बराबर लगता है। लेकिन जिस काम में हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जो बोरिंग है, उस काम को अगर हम 20 मिनट में करते तो वो हमें 2 घंटे के बराबर लगता है। तो उसने इसको किसके साथ कनेक्ट किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ उसने कनेक्ट किया। व्हाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। जब वो फिजिक्स के जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करता है, तो उसकी जो पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट जो लाइफ है, अनरेवलिंग मतलब वो फेल होने के कगार पर, बर्बाद होने शुरू हो जाती है, खराब होने शुरू हो जाती है। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। एल्बर्ट क्या सोचते कि वो अपनी स्टडी फिनिश करते ही मिलेवा से शादी करेगा, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उसकी जो मदर थी वो इस चीज के खिलाफ थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. और उसकी मदर सोचती थी कि मिलेवा जो है, जिससे एल्बर्ट शादी करना चाहता है, वो उससे 3 साल बड़ी है, और वो इस बात के लिए भी चिंतित थी कि ये लड़की बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस को लेकर भी वो चिंतित थी। She is a book like you. वो सोचती थी कि ये तो तेरे तेरे किताबी है। His mother said, उसकी मदर ने ऐसे बोला, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। आइंस्टीन ने क्या किया, वेडिंग क्या है, पोस्टपोन कर दिया, मैंने कि उस टाइम वो कर लेता है। द पेयर फाइनली मैरिड, मैंने मतलब कि उस टाइम पे वो पोस्टपोन कर देता है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 में आखिरकार वो उनकी शादी हो जाती है, एंड हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन थोड़े साल के बाद जो मैरिज है वो वीक होने लग जाती है, इनके उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एंबिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। अब धीरे धीरे मिलेवा का इंटरेस्ट था, जो एंबिशन थी, जो उसकी चाह थी, जो इनकी उनकी जो पढ़ाई, जितनी इंटेलिजेंट थी, उसकी जो एम्बिशन थी, उसमें उसका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, और वह एक अनहैप्पी यानी कि उदास घरेलू गृहिणी बन के रह जाती है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। अब इतने साल उनके अंदर झगड़ा होता रहा, तो आखिर में उन्होंने 1990 में डिवोर्स ले लिया, उनका तलाक हो जाता है। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, उसी साल जिस साल उसका डिवोर्स होता है, उसी साल वो अपनी कजन एल्सा के साथ शादी कर लेता है। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंट विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। अब जो आइंस्टीन का नया जो चैप्टर है वो किसके साथ मेल खाता है, राइज टू द वर्ल्ड फेम, यानी कि वो उसमें यानी कि वो फिर से महान बनना, यानी कि फेमस होना शुरू हो जाता है, जैसे उसका नया चैप्टर बिगिन करता है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब 1915 में वो अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देता है, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि क्या है, ग्रेविटी के बारे में, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में वो एक नई सोच देता है, इंटरप्रिटेशन देता है। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. एक एक्लिप्स है जिसको ग्रहण बोलते हैं, एन एक्लिप्स ऑफ द सन, यानी कि सूर्य ग्रहण के टाइम पे, इन 1919 got proof that it was accurate. उसने प्रूफ किया कि ये बिल्कुल सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected. Einstein ने ये कैलकुलेट भी कर दिया था पहले से ही कि जो लाइट है वो फिक्स स्टार से डिफ्लेक्ट होती है, किस तरह से वो हो सकती है, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। जब वो जो सन है वो मूव करता है, वहां से जो सन स्टार से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो बिल्कुल सही होती है। उसने ये पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था। द न्यूज पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और जो न्यूज पेपर में उसने इसके काम, जो हेडिंग आती है न्यूज पेपर में उसके काम को लेकर, वो क्या होती है कि विज्ञान के क्षेत्र में एक नया रिवॉल्यूशन होता है, चेंज होता है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। अब आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ही वाज शॉवर्ड विद ऑनर्स एंड इनविटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस। अब उसको पूरे संसार से उसको
हर जगह से उसको सम्मान मिलता है, उसको बुलावा आने लगता है, उसको बुलाया जाता है एज ए गेस्ट, और मीडिया में हर जगह न्यूज़पेपर में उसकी तारीफों के पुल बंधे हुए होते हैं। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब नाजीज की पावर मिलती है, वो सत्ता में आते हैं जर्मनी में 1933 में, तो आइंस्टीन कहाँ चला जाता है? यूएस चला जाता है। एमिग्रेट क्या होता है? One who leaves one's country to settle in another country, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेशन करना। तो आइंस्टीन क्या करता है, अपना देश है कि जर्मनी में था, वो जर्मनी छोड़कर कहाँ शिफ्ट हो जाता है? यूएस में वो शिफ्ट हो जाता है। 5 years लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हार्ट अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोच। 5 साल के बाद जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो डिस्कवरी हुई थी बर्लिन में, वो क्या है, अमेरिकन फिजिस्ट इन अप्रोच, यानी कि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। अमेरिकन फिजिस्ट ही तो बन गया वहां पर जाकर। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसेस जस्ट एज आइंस्टीन हैड। बहुत सारे लोग क्या है, इस वजह से इसको छोड़कर चले जाते हैं कि दुखी हो जाते हो इसकी डिस्कवरी के बाद। किसकी डिस्कवरी के बाद? न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे कि आइंस्टीन वो था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एन एटॉमिक बम। अब वो सब डरे हुए थे कि नाजीज अब क्या करेंगे, एटॉमिक बम बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन August 2nd, 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब जो आइंस्टीन के साथ काम करने वाला उसका जो सह कर्मचारी, उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो लेटर लिखे किसको, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे। तो उस टाइम वो 2nd August 1939 को उस लेटर लिखता है आइंस्टीन, उसमें वार्निंग देता है उसको कि इस तरह का एक सिंगल, एक अकेला बम भी अगर एक्सप्लोड हुआ तो पूरे के पूरे वो बंदरगाह को तबाह कर देगा और यहाँ तक कि उसके आसपास की जो टेरिटरीज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। His words did not fail to have an effect. लेकिन इस उसके शब्दों का उस अमेरिकन प्रेसिडेंट पर कोई भी असर नहीं होता है। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अमेरिका ने उसकी बात नहीं मानी और उन्होंने बॉम्ब बना दिया और एक्सप्लोड कर दिया कहाँ पर, जापानी सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी में इन 1945, और उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई वहां पर। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और जितना जो विनाश होता उसकी वजह से आइंस्टीन बहुत ज्यादा हिल गया था, बहुत ज्यादा वो दुखी हो गया था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। मिसिव होता है एक लेटर, स्पेशली जो ऑफिशियल होता है, बड़ा और ऑफिशियल लेटर होता है। उसने एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसमें वो एक प्रस्ताव देता है कि अब पूरे संसार की एक ही सरकार बनाई जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जिस तरह से पहला जो लेटर उसने रूजवेल्ट को लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, उसका कोई असर नहीं होता, उसी तरह इस पत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन आगे जो अगले दशकों में आइंस्टीन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था किसमें, राजनीति में, एग्रीटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और वो इन सब के खिलाफ आंदोलन करने लगा, जो ये बॉम्ब वगैरह बनाते हैं, इन सब के जो परमाणु बम वगैरह थे, इन सब के खिलाफ वो आंदोलन करने लगता है और शांति की अपील करता है और डेमोक्रेसी की वो अपील करने लगता है लोगों से। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब वो 76 ईयर का 1955 में एक्सपायर होता है, पास रहे होते हैं, तो उसको क्या है, सेलिब्रेशन किया जाता है एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। विजनरी क्या होता है, पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। एंड विजनरी वो होता है कि प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, वो एक बिल्कुल सही और इंटेलिजेंट वे में जो प्रेडिक्ट करता है फ्यूचर को, उसको बोलते हैं विजनरी। तो उसके विजनरी को, यानी कि उसको एज ए विजनरी उसको सेलिब्रेट किया जाता है और उसको एज ए वर्ल्ड सिटीजन माना जाता है, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए, डेमोक्रेसी के लिए वो आंदोलन कर रहा था। तो इस चैप्टर में हमने एक एक्सप्लेनेशन पढ़ी आइंस्टीन की, जो लाइफ स्टोरी है उसके बारे में, हमने इसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं है लेकिन इसमें इसकी कुछ लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया है। आप इसके जो कॉम्प्रिहेंशन चेक्स के जो क्वेश्चन है वो आप सोल्व करेंगे, कहीं कहीं डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे।